आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम जो कौम के मसाइल को एक अलग नजरिए से देखता है। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे सैयद सलाउद्दीन पाशा की जिंदगी की दास्तां को। अवाम में आज दास्तां बयानी करेंगे आईएएस एग्जाम की तैयारी में जुटे मुनव्वर अस्करी की। किरदार में आज बारी है फिल्म आमिर के मेन कैरेक्टर आमिर अली की। नाजी नादाब, मैं हूँ साइमा खान, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौम की आवाज में अपनी आवाज मिलाता है। तो आइए सबसे पहले हम पेश करते हैं मकाम और आगे बढ़ाते हैं सैयद सलाउद्दीन पाशा की जिंदगी की दास्तां। कल के मकाम में हम मुल्क के एक जाने माने कोरियोग्राफर, बेहतरीन डांसर, थिएटर आर्टिस्ट और इन सबसे बढ़कर इंसानियत की जीती जागती मिसाल समझे जाने वाले जनाब सैयद सलाउद्दीन पाशा की जिंदगी के सफर से वाकिफ हुए। दास्ताने जिंदगी के उसी सफर को आज के एपिसोड में आगे बढ़ाते हैं। आज पाशा साहब और उनके फनकारों को दुनिया सलाम करती है। दुनिया के 70 से अधिक मुल्कों में अपने फन से लोगों का दिल जीतने वाले ये फनकार जहां भी गए इन्हें लोगों की मोहब्बत और शाबाशी मिली है। पाशा साहब का मकसद ही इनकी जिंदगी बन गया है। इनके द्वारा सिखाए गए फनकार आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। जैसे गुलशन कुमार मेरा स्टूडेंट, एक धोबी का बच्चा है, बहुत ही पूर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है। बड़ा मुश्किल से उसको मैं अपने गोद में लेके आया था 12 साल पहले। तो उसको मैंने 12 साल लगातार ट्रेनिंग दिया और मैं, प्रीति जिंता, सब लोग एक शो में आए थे। उसका नाम था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अब इंडिया तोड़ेगा। इसके अंदर वो लड़का भाग लिया, गुलशन कुमार। पुराना जो रिकॉर्ड था 32 स्पिन, उसको तोड़ के उसने 63 नॉन स्टॉप स्पिन करके व्हीलचेयर पर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनके काम से मुतासिर होकर एक बार एक अमेरिकी सूबाई हुकूमत इंडियाना की ओर से इनको अवार्ड से भी नवाजा गया। वो हसीन लम्हा आज भी इनके जहन में ताजा है। बहुत छोटा था मैं जब अमेरिका में परफॉर्मेंस करने गया था, कि इसी चीज़ को जो आपने कहा कि मुस्लिम हो के आप कैसा इन सारे चीज़ों को कर रहे हैं, तो वहाँ के एक इंडियाना पुलिस, वहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कबीरदास ऑफ 21st सेंचुरी बोल के एक अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि यू आर दी एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल, आप मुसलमान हैं उसके बावजूद भी जिस प्रकार से आप भारत देश की संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सबको वो सौहार्दता मनोभाव जो होता है, वो नेशनल इंटीग्रिटी को आप जिस प्रकार से लिए चल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने हमें 21st ऑफ कबीरदास बोल के एक अवार्ड दिया। इनके दिल में ख्वातीन के लिए बहुत इज्जत है। आज उनके पास ऐसी कई लड़कियां हैं जो डांस सीख रही हैं, जो ना तो सुन पाती हैं और ना ही बोल पाती हैं, लेकिन उनके अंदर का फनकार अपनी फनकारी से अच्छे अच्छों की बोलती बंद करने की कुवत रखता है। हमने एक झांसी रानी का प्रोडक्शन जब किया था, हियरिंग पे लड़की थी, वो 50 ब्रिटिशर के साथ उन्होंने फाइट किया तलवारों के साथ। तो माने आए आंखों में आंसू थे। शो के बाद में मैंने पूछा क्या हो गया, कह रहे गुरुजी मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि घर में ग्लास तक उठा के नहीं रखती लड़की, आज के दिन दो तलवारें पकड़ के खड़ी है, 50 लोगों के साथ फाइट कर रही है। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, कि कोई दुर्गा माता तो इसके ऊपर नहीं आ गई। पाशा साहब को कई जुबानें आती हैं, जिसमें गीता, पुराण, रामायण और उपनिषद तक में उनकी गहरी दिलचस्पी है। हमारे जितने भी जो माहौल था और मेरे जो मित्र रहे पूरे ब्राह्मण के थे, तो साथ में कुरान पढ़ने के साथ साथ मुझे एक पुराण पढ़ने का भी एक मौका मिला, क्योंकि एम्बियंस रहा उसी प्रकार से। तो जैसे रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये सारे चीज़ों को मुझे पढ़ना पड़ा। वो एक बहुत पर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था। इनका मानना है कि हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं, सो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। इनका नाता अपने फनकारों से इतना गहरा है कि जब वे इनके साथ होते हैं तो अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। इस बात को लेकर कई दफे उन्हें अपनी बेटी के भी ताने सुनने पड़े हैं। इनफैक्ट हमारे घर में
छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। मेरी बेटी बोलती है जाओ अपने बच्चों के साथ रहो तुम, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। हमारी बिटिया में और विकलांग बच्चों में मुझे कोई डिफरेंस ही पता नहीं चलता। पाशा साहब की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। जब हम मलेशिया में पहली बार मिले थे तो हमने सोचा यार मैं भी मुस्लिम बैकग्राउंड का हूं और वो भी एक मुस्लिम बैकग्राउंड की हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।